आज का दिन बहुत विशेष दिन है। मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे दुनिया में कुछ दिनों की महिमा होती है, दुनिया विख्यात दिन होते हैं, अपने अपने हिसाब से दुनिया के देश अपने अपने तरीके से दुनिया में ख्याति प्राप्त करते हैं। हमारे देश से संबंधित भी कुछ घटनाएं हैं जो दुनिया में भी विख्यात हो जाती हैं। एक तो अभी आधुनिक काल में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों से हमारे इस देश की एक सांस्कृतिक पहचान योग, इस योग को दुनिया का भाग बना करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून ये बनवाया था। और एक मुझे कहीं ऐसा लगता है कि दक्ष प्रजापति जी का ये जो जयंती का दिन है, दक्ष यानी कौशल, और इस दिन को कहीं ना कहीं दुनिया में मान्यता मिल गई है और दुनिया में आज के दिन को ऐसे तारीख के हिसाब से एकाध दिन आगे पीछे हो सकता है, सोमवार को 15 तारीख इसको विश्व युवा कौशल दिवस इस नाते से सारी दुनिया में मनाया गया। अब ये कौशल जो है ये सबसे पहले अगर जुड़ता है वो दक्ष प्रजापति प्रजापति जी के नाम से जुड़ता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि दुनिया का सबसे पहला कोई कारीगर है वो हुआ है वो दक्ष प्रजापति महाराज हुए। प्रजापति ब्रह्मा जी जो मनुष्य के क्रिएटर जिनको कहते हैं, मनुष्य के निर्माता, प्राकृतिक पंच तत्वों को मिलाकर के उन्होंने मनुष्य की निर्मिति की है, जिसमें वायु, पानी, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, इन पांच चीजों को मिलाकर के कहते हैं मनुष्य की निर्मिति की है। और उन्हीं के बेटे, ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष प्रजापति, उन्होंने इन पांच चीजों को मिला करके मनुष्य के काम आने वाली सारी चीजें उसका निर्माण किया है। तो ये कारीगरी एक उनका कौशल था, उस कौशल में से कारीगरी शुरू हुई जिनके हम सब संतान हैं, और वो संतान सब आगे जो कारीगर बने, क्योंकि उसमें सामान्यतः मिट्टी और जल, वायु और अग्नि, आकाश, यही प्राकृतिक चीजें थी, बाकी चीज तो थी नहीं, लोहा भी नहीं था, तो इन चीजों को मिला करके और सारी चीजें बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आवश्यकता पड़ी कुंभ की, कुंभ होता है घड़ा, पानी तो है, पानी लाए किसी में जाए तो घड़े में लाना है, लोटे में लाना है, तो वो और कोई बर्तन नहीं था, मिट्टी का बना लिया, तो उसको कहते हैं कुंभकार है, पास में कुम्हार हो गया, कुंभकार यानी कुम्हार। तो इसलिए उस बर्तन का इलाज की, उसी बर्तन में पानी लाने लगे, उसी में अग्नि के ऊपर अपना कोई अन्न जल डाल करके उसमें पकाना शुरू कर दिया, उसी में मिट्टी के बर्तन में डाल के खाना शुरू कर दिया, अर्थात जीवन उपयोगी सब चीजें मिट्टी की हुआ करता। तो इतना बड़ा कौशल, इतना बड़ा कारीगर दुनिया में कोई नहीं हो सकता।